नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें चर्चा करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए, देखिए, क्योंकि ये सारे चीज़ें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि कल जो मार्केट था, उस मार्केट को सभी ने जो है ब्लैक फ्राइडे के नाम से नाम दिया है, तो वो बहुत सारे बातें आज हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं चर्चा करता हूँ ऑन स्टॉक के बारे में और उसी स्टॉक की बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो आज भी इस वीडियो में मैं उसी बारे में चर्चा करूँगा, स्टॉक की बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट। और पिछले दिन जो हमने स्टॉक के बारे में चर्चा किया था उसका रिव्यू देखेंगे, उसमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, कॉल एग्जीक्यूट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ये वीडियो में एजुकेशनल पर्पज़ बना रहा हूँ और जो भी टेक्निकली आउटलुक जो भी लेवल में पेश करूँगा मेरे खुद के रिसर्च से, अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपने जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे बताए गए लेवल पे ट्रेड करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पहले रिव्यू देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, कल की जो मार्केट था, 3 मिनट के अंदर मार्केट में कितना गिरावट आई आप लोग जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, 1000 एंड अबव गिरावट। तो ये बहुत ज़्यादा गिरावट है, अब तक मैंने इस मार्केट में ऐसी 3 गिरावट को फेस किया है और हर बार जो है मैंने देखा करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है इस मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ फ्रेंड्स, निफ्टी पॉजिटिव में था, लेकिन अचानक से क्या हो गया आप लोग ने देखा और बहुत सारे जो है व्यूअर्स ने मुझे कमेंट भी किया कि मार्केट मैनिपुलेशन हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चलो उस बारे में भी आज थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इससे पहले हम रिव्यू देख लेते हैं। जैसे कि पिछले दिन जो मैंने हेवेल्स के बारे में चर्चा किया था, उसका बाइंग लेवल था 653.53 और स्टॉप सेलिंग लेवल था 640.57। तो मार्केट जब ओपन हुआ फ्रेंड्स, मार्केट ओपन होने के बाद कल सुबह निफ्टी पॉजिटिव में था, बाइंग लेवल जो है एग्जीक्यूट हुआ 653.53। एग्जीक्यूट होने के बाद नियर अबाउट 43 तक शायद गिरा था, उसके बाद जो है 660 के पास आया था, यानी 659.80। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड टारगेट अचीव हुआ। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, सेलिंग लेवल जो है 640.57, सेलिंग लेवल भी एग्जीक्यूट हुआ जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे। तो सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट होने के बाद जो है फिफ्थ टारगेट डन हुआ, फिफ्थ टारगेट था फ्रेंड्स 5625.546 और उसका लो था 626। तो मान के चलते फोर्थ टारगेट डन। तो कल की इस मार्केट में इतनी गिरावट, मार्केट में इतनी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में जो सुबह पॉजिटिव था उसके बाद माइनस भी था, क्रैश हुआ था मार्केट, उस मार्केट में भी मेरी कॉल पे जो है फ्रेंड्स प्रॉफिट हुए हैं और आज तक मैंने 540 अबव कॉल प्रोवाइड किया है अपने यूट्यूब चैनल में। और अब तक सिर्फ 11 स्टॉक में स्टॉप लॉस हुआ है और 4-5 स्टॉक में 3-4 पॉइंट करके नुकसान हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, मैं इतना से कहूँगा कल जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो बहुत दुख की बात है, क्योंकि कल जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ट्रेडर का। और कल की मार्केट में जिन्होंने प्रॉफिट किया, आप इतना कह सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि उन लोगों को मार्केट के बारे में बहुत कुछ जो है जानकारी हासिल हो चुकी है, क्योंकि इस मार्केट में हमें कैसे बचना है, ठीक है, वो जानकारी हमें होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैनिपुलेशन हुआ कि नहीं, एक्चुअली देखिए मैनिपुलेशन जो है इस मार्केट का एक पार्ट है। ठीक है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमें झेलना भी पड़ेगा और इसी के ऊपर बेस करके हमें ट्रेड करना पड़ेगा कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया कि मेरी मैं जो ट्रेड करता हूँ उसमें मैं पेंडिंग ऑर्डर डालता हूँ एक दिन पहले, तो वो पेंडिंग ऑर्डर मैं कैसे डालता हूँ। उसके बाद आप लोग जब लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, जब आप ऑर्डर डालते हैं तो वो मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, आप जो लेवल प्रोवाइड लेवल पर आप पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं वो उस लेवल पे जो है कॉल एग्जीक्यूट नहीं होता है, मार्केट प्राइस में लेवल एग्जीक्यूट होता है। तो इस वीडियो के बाद मैं वो दूसरी वीडियो बनाऊंगा और उसमें आज आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूंगा कि कैसे आप लोगों को ऑर्डर डालना है। ठीक है, तो आप लोग जो है आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और बिंदास प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया उसका नाम हिंडल को देखिए, हिंडल को सिलेक्ट करने का आज रीज़न हम बता देते हैं। कल की इस मार्केट में, ब्लैक फ्राइडे मार्केट में, क्रैश मार्केट में मैंने कुछ स्टॉक निकाला है जो 7-8 स्टॉक 200 डेज़ को पॉजिटिव ब्रेकआउट किया, यानी 200 डेज़ के ऊपर ट्रेड किया है।
ठीक है। और बाकी सारे जितने स्टॉक है, मैक्सिमम स्टॉक जो है 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट भी गिरा है। ऐसे भी स्टॉक है जो 400 500 पॉइंट गिरा है, 1000 पॉइंट गिरा है, 70 80 पॉइंट गिरा है, मतलब कि 70 50 पॉइंट जो नॉर्मली कल गिरा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की कल की इस मार्केट में जो 200 डेज़ के ऊपर सस्टेंस किया और 200 डेज़ को पॉजिटिव ब्रेकआउट किया, उसमें से सिर्फ मैंने हिंडालको को सिलेक्ट किया। तो देखिए हिंडालको को मैंने सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि हिंडालको जो है पीवोट पॉइंट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में जो है ट्रेड हुआ है। पीवोट लेवल और रेजिस्टेंस, फास्ट रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ट्रेड हुआ है और बोलिंजर बैंड की मिडल बैंड के ऊपर ट्रेड करते हुए मिडल बोलिंजर बैंड की मिडल बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं बोलिंजर बैंड की मिडल बैंड जो है एक मूविंग एवरेज की एक लाइन है जिसको हम सेंट्रल लाइन भी कह सकते हैं। उस सेंट्रल लाइन के ऊपर ट्रेड करते हुए उसके ऊपर सस्टेंस किए हैं और नज़दीकी रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोज हुआ है, साथ ही साथ 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स रीज़न क्या है, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेंस किए हैं, बोलिंजर बैंड के मिडल बैंड के ऊपर सस्टेंस किया और पीवोट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बिटवीन प्राइस में ट्रेड करते हुए नज़दीकी सपोर्ट लेवल के सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुआ है और रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हुआ है। इसलिए मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया क्योंकि अगले दिन अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ हम उछाल देखेंगे, और अगर बोलिंजर बैंड की मिडिल बैंड को ब्रेकडाउन करते हुए अगर पीवोट लेवल को ब्रेकडाउन करते हैं तो हम नीचे की तरफ ऑब्वियसली गिरावट देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम देखिए कल की इस ब्लैक फ्राइडे गिरावट मार्केट में वॉल्यूम देखिए वन डे चार्ट के हिसाब से, डे के हिसाब से कल इसमें इतना वॉल्यूम आया। देखिए फ्रेंड्स 240.40 पे क्लोज हुआ है। आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का जो कैंडल है जो बार आप लोगों को दिख रहा है वॉल्यूम पे, देखिए यहाँ पर एक लाइन भी दिख रही है येलो कलर का, ये 30 डेज मूविंग एवरेज है, यानी कल की डेट में ब्लैक फ्राइडे मार्केट में 30 डेज मूविंग एवरेज को भी पॉजिटिव ब्रेकआउट किया वॉल्यूम में, इतना ज़्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड हुआ है। ओके फ्रेंड्स, हालांकि एमएससीडी अभी मेन लाइन सिग्नल के नीचे हैं लेकिन हर तरीके से ये बाइंग सिग्नल पे हैं। अगर हम 15 मिनट चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखिए लास्ट में दो बार आप लोगों को दिखाई दे रहा है वॉल्यूम वार जो बुलिश है और 30 डेज मूविंग आवर्स को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए बहुत ही ऊपर क्लोज हुआ है। 649,000 वॉल्यूम को ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब फ्रेंड्स 2 मिलियन के ऊपर वॉल्यूम पे ट्रेड की करते हुए क्लोज हुआ हिंडालको। ओके, और 15 मिनट चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो एमएससीडी मेन लाइन और सिग्नल लाइन जीरो लाइन के ऊपर है और एमएससीडी मेन लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है, यानी इनिशियली बाइंग सिग्नल पे है और ओवरऑल जीरो लाइन के ऊपर होते हुए बाइंग सिग्नल पे। अगले दिन हमें हिंडालको में एक बढ़िया उछल देखने को मिल सकता है जब तक ये 200 डेज को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, तो उसकी बाइंग लेवल सेलिंग लेवल देखेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले फिर भी मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, आपके पास वो रणनीति होना चाहिए कि अब ऐसी मार्केट में भी आप अपनी बचाव के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। आपको पहले से वो रणनीति आपको अप्लाई नहीं करना है लेकिन अप्लाई करने की जानकारी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 21 दिन की प्रॉफिट एक दिन खा जाते हैं ऐसी ब्लैक फ्राइडे जैसी मार्केट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक साल का प्रॉफिट एक दिन में गायब हो जाती है। क्योंकि जो बड़े ट्रेडर हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ऐसे भी रिटेल इन्वेस्टर हैं जो एक एक दिन में 15-16 ट्रेड करते हैं, जो स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं, एक बार सोच के देखिए कल उन लोगों का क्या हुआ है। बड़े दुख की बात हुई है कि कल 100 में से 98 लोगों का नुकसान हुआ है, 100 में से 98 आप कह सकते हैं। तो ऐसी मार्केट में आपके बचाव के लिए आपको जो जो चीज़ें जानकारी आपको हासिल होनी चाहिए वो सारे जानकारी आप कलेक्ट कीजिए ताकि आप ऐसी बड़ी नुकसान से बच सके। तो फ्रेंड्स आज मैं दूसरी वीडियो में आज ही मैं अपलोड करूँगा, उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे आप लोग ऑर्डर डाल सकते हैं एक दिन पहले, या फिर लाइव मार्केट में आप पेनी ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं, या फिर आप एडवांस में स्टॉप लॉस कैसे डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस सेलिंग ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं, वो पूरी जानकारी मैं दे दूंगा आप लोगों को। तो कल की मार्केट के बारे में आप लोगों को सभी को जानकारी है तो मुझे इतना बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अगले दिन के बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल देख लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, बाइंग लेवल रहेगा 242.59, स्टॉप लॉस रहेगा 226.55, फर्स्ट टारगेट रहेगा 245.49 एंड सिक्स टारगेट रहेगा 272.91। और एक जानकारी फ्रेंड्स, अगर आप लोग ज़ेरोधा में डीमार्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फायदा क्या होगा फ्रेंड, ब्रोकर 20 रुपीज़। अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9865244240 में। मैं हर तरीके से आप लोगों को सहायता करूँगा या ऑनलाइन प्रोसेसिंग करवा के आप लोगों को अकाउंट ओपन करवा के दे सकता हूँ। और अगर आप लोग पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेली 3 से 4 कॉल प्रोवाइड करता हूँ 80% एक्यूरेसी के साथ, और सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा लाइव सपोर्ट रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल के मार्केट के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने जो है थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को रात को मैंने 7:40 में अपनी ग्रुप में, स्टॉक टिप्स ग्रुप में, जहाँ पर अभी मेंबर कितने हैं फ्रेंड्स, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जहाँ पर अभी 236 कितना मेंबर है फ्रेंड्स, थोड़ा सा देख लेते, 240 मेंबर है, ठीक है, जहाँ पर मैंने एक दिन पहले यानी थर्सडे रात को 7:40 में टुमोरो निफ्टी डाउन लेवल 11,100, अप लेवल 11,280। तो फ्रेंड, जब मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ओपन होने के बाद 11,280 को ब्रेकआउट किया था, उसके बाद जो है मार्केट में क्रैश आई, तो मैंने जो लेवल दिया था 11,100, देखिए 11,100 को भी टच किया है। तो मैंने एक दिन पहले जो, तो फ्रेंड्स एक दिन पहले मैंने आप लोगों को अवगत कर दिया था कि मार्केट में क्या हो सकता है, तो वैसा ही हुआ। फ्रेंड्स, मैं डेली ऐसा करता हूं, अगर हो सके तो एक दिन पहले प्रोवाइड करता हूं या फिर मैं लाइव मार्केट में। तो फ्रेंड्स, निफ्टी के अप लेवल और डाउन टाउन लेवल के अगर बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और आप अपनी नुकसान से बच सकते हैं। उसके बाद मैंने लाइव मार्केट में भी फ्रेंड्स अपडेट किया था सबको, जैसे कि मैं मेरे जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है जहाँ पर 700 मेंबर हैं, उन सभी को मैंने अपडेट किया था एक दिन पहले कि निफ्टी जो है 11,100 को टच कर सकता है, ठीक है। तो वैसा ही हुआ फ्रेंड्स, और मैं डेली ऐसा अपडेट देता रहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइव मार्केट में भी मैंने आप लोगों को अवगत किया था कि निफ्टी 7,500 तक ट्रेड चल रहा है, क्या कोइंसिडेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने अपडेट किया था आप लोगों को, निफ्टी लॉन्ग पोजीशन काट हो रहा है, 11,200 का ट्रेड सबसे ज़्यादा हो रहा है, 11,250 का अगर ब्रेकडाउन करती है तो 11,200 का लेवल। तो फ्रेंड्स देखिए, वैसा ही हुआ है फ्रेंड्स, 11,200 को भी ब्रेकडाउन करते हुए कितना नीचे गिरा। तो लाइव मार्केट में भी आप लोगों को वो अपडेट करता रहता हूँ, तो उसके ऊपर बेस करके अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप अपने नुकसान से बच सकते हैं। तो ये जानकारी होना आप लोगों के पास बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो इस बात पर आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, निफ्टी कितना गिर सकता है और निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है। तो अगले दिन के लिए भी मैं आप लोगों को अपडेट करवा देता हूं कि निफ्टी कहां तक जा सकता है। देखिए, निफ्टी का जो गिरावट है अभी 11,000 के नीचे जाने का पॉसिबिलिटी बहुत 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 ही कम है, 11,000 के नीचे जाने का, 11,000 को फिर से टच कर सकता है लेकिन उससे नीचे जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, और अगले 2-3 दिन में 11,200 को टच कर सकते हैं, 11,200 को टच कर सकते हैं एक्सपायरी तक। उससे ज़्यादा कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा, क्योंकि जितना होना था हो चुका था, और उससे ज़्यादा नीचे गिरने का चांसेस हमें दिखा नहीं दे रहा, क्योंकि हर तरीके के लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 11,000 तक गिर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, और ऊपर की तरफ 11,200। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, अब हम सेल प्राइस देख लेते हैं। सेलिंग लेवल रहेगा 223.86, स्टॉप लॉस 239.90, फर्स्ट टारगेट रहेगा 220.96 एंड सिक्स टारगेट 193.54। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सा ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।